हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बनाने वाला हूँ चिकन रेशमी कबाब, जो कि काफ़ी टेस्टी और लाजवाब होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें लेना है चिकन, देख सकते हैं करीब 1.5 से 2 किलो का चिकन है, और हम इसे अब निकालेंगे बोनलेस। तो चलिए, आप जिस तरह से आपको बोनलेस निकालना आता हो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकाल रहे हैं उस तरह भी आप निकाल सकते हैं। और इसे करीब 60 से 70 ग्राम का पीस रहेगा बोनलेस पीस का साइज़, आप भी उसी तरह साइज़ आप बना लें। तो चलिए दिखा देते हैं हम पीस किस तरह बना रहे हैं, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पीस हो चुका है रेडी। अब हम इसे करेंगे मैगनेट, और मैगनेट करने के बाद कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, और इसके बाद हम बनाएंगे मसाला। तो मैगनेट करने के लिए हमें चाहिए इसका सामान, तो देख सकते हैं ये सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, और ये रहा वाइट पेपर, और इसके साथ मेरा लेमन पीस, और इसके साथ ही साथ मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो चलिए ये सारे मसाला हम चिकन में डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए हम इसे रख देंगे। तो अब इसका जो मेन मसाला होगा वो मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए वो मसाले के हम बारे में अब बताते हैं। ये देख सकते हैं उसका मेन मसाला है, जो कि हमने एक प्लेट में ले लिया हूँ आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसे देख सकें और अच्छे से अपने घरों में या कहीं पर भी आराम से बना सकें। चलिए इसमें क्या क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, तो ये रहा हमारा सॉल्ट, और ये रहा ब्लैक पेपर, और ये रहा इलायची पाउडर, ये रहा गरम मसाला, और उसके साथ जीरा पाउडर, और थोड़ी से चिकन मसाला, और ये जिंजर चॉपिंग, और ये गार्लिक चॉपिंग, और उसी के साथ धनिया कोरिएंडर चॉपिंग, और वाइट पेपर। और इसके साथ साथ में हम ऐड करें क्रीम और कर्ड। तो चलिए जल्दी से सारे मसाले हम डाल लेते हैं कर्ड के साथ में। देख सकते हैं हमने सारा मसाला डाल लिया है, और इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा क्रीम, जो कि अच्छा क्रीमी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए चिकन पकने के बाद। तो चलिए जल्दी से मसाला मिला लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा मसाला मिक्स होकर कुछ इस तरह हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो देख सकते हैं हमने चिकन डाल दिया, और इसे अच्छी तरह से मैगनेट कर देंगे चिकन को मसाले के साथ में, और इसे भी कुछ देर के लिए रख देंगे फ्रीजर में। उसके बाद हम लगा कर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हम इसे कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दिए थे, और अब हम निकालते हैं और इसे लगा कर आपको दिखाते हैं। तो हमें इसे लगाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक सीख। तो देख सकते हैं हमने एक सीख ले लिया है, और इसमें अच्छी तरह से लगा लेते हैं, ताकि ये तंदूर में हमारा पीस गिरे ना। और तो चलिए जल्दी से हम सारे चिकन को लगा लेते हैं एक एक करके सीख में, और तंदूर में डालकर अच्छे से पकाते हैं। तो चलिए हम लगा लिए, देख सकते हैं सारे चिकन को मैंने लगा लिया हूँ। अब इसे हम डालते हैं तंदूर में। तो देख सकते हैं हमारा तंदूर है, ज़्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल हीट में है, और ये मेरा मसाला वाइट कलर का है, इसीलिए नॉर्मल हीट में पकाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो जलेगा नहीं। जब तक मेरा चिकन उधर रेडी होता है, तब तक मैं चिकन के ऊपर में जो फॉर्म मारेंगे वो अंडे का रहेगा, जो कि हमको इसको येलो पीस नहीं लेना है, हमको इसका अंडे का जो पानी है वही हमको निकालना है, और येलो उसी में रहने देना है। और इसे एक फोक वाला स्पून लेकर अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे, तो ये फोक मंजा बन जाएगा, और इसको हम चिकन पकने के बाद इसको ऊपर से लगाएंगे, और कुछ देर के लिए इसे भी तंदूर में डालकर, मतलब गोल्डन कलर होने तक इसे भी पकाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा चिकन पक के रेडी हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं हमारा चिकन पककर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे लगाते हैं चिकन के ऊपर में, अच्छी तरह से बारीकी से, जितना जगह बाकी हो पूरा जगह में अच्छी तरह से लगा दें चारों तरफ घुमा के। और अच्छे से लगने के बाद हम इसे फिर से डालेंगे तंदूर में, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये भी हमने अंडा का जो फॉर्म है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और ब्राउन कलर का हो जाए। उसके बाद हम इसे निकाल कर करेंगे कस्टमर को सर्व। तो देख सकते हैं ये भी हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकालते हैं और कस्टमर को करते हैं सर्व, और देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है और कैसा टेस्ट है। तो देख सकते हैं हमारा रेशमी कबाब बिल्कुल हो चुका है रेडी कस्टमर को सर्व करने के लिए। तो चलिए नए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।